दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं CSI टेक्स्ट स्पेसिंग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें है लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और लाइन हाइट। तो दोस्तों, ये हमारे मैंने यहाँ पे पी टैग के अंदर डमी कंटेंट पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फर्ज करेंगे जो हमारे पास लेटर्स हैं, तो इसमें मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी CSS की। अगर मुझे वर्ड वर्ड में यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? वर्ड स्पेसिंग। और अगर मुझे लाइंस के दरमियान स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइन हाइट प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के ऊपर, जो कि हमारे पास लिंक है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के फाइल के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी टैग, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। तो मैंने पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। लेटर स्पेसिंग, तो मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे 18 पिक्सल का रहता हूँ, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास लेटर थे, इनमें स्पेस आ चुका है, लेकिन हमें इतना स्पेस नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ही नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल, तो ये बहुत कम हो जाएगा, ताकि ये देखें यहाँ पे 3 पिक्सल स्पेस आ चुका है। तो अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास लेटर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा हमारे पास अगर एक वर्ड जो हमारे पास वर्ड्स हैं, उनमें मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा वर्ड हाइफन स्पेसिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 10 पिक्सल, ताकि आपको शो भी हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास जो वर्ड थे, इनमें स्पेस आ चुका है। ये स्पेस देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी देखने के बाद अभी हम देखते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अगर आप लोग जो हमारे पास लाइंस हैं, इनके दरम्यान अगर आपको स्पेस चाहिए, तो आप लोग उसके लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ लाइन हाइट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं 8 पिक्सल स्पेस दे देता हूँ। और अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, वो 8 पिक्सल से ज़्यादा होता है। तो ये हम हमारे पास जुड़ चुके हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का स्पेस भी दे सकते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेस इंक्रीज करता हूँ, तो ये आपके पास आउटपुट है। तो हमारे पास स्पेस लाइंस के दरमियान इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा जो हमारे पास टेक्स्ट स्पेसिंग है, उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। उसमें हमने देखा कि लेटर स्पेसिंग देखा और वर्ड स्पेसिंग देखा, उसके बाद जो लास्ट में हम लोगों ने देखा वो था लाइन हाइट प्रॉपर्टी CSS की। दोस्तों, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने लेटर के दरमियान स्पेस देना है, तो आप लोग यूज़ करेंगे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने वर्ड के दरमियान स्पेस देना है, तो आप लोग यूज़ करेंगे वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों ने लाइन्स के दरमियान स्पेस देना है, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे लाइन हाइट प्रॉपर्टी CSS की, जो कि हम लोगों ने लास्ट में यूज़ की।